हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमानी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिमानी जैन पर। दोस्तों, मैं आज फिर आपके साथ देहरादून की ही अपनी ट्रिप का एक बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं देखने गई हूँ वहाँ का एक बहुत फेमस जगह। हाँ, ये एक वाटर पॉइंट है, नाम है इसका रॉबर्ट्स केव, जिसे कि लोग गुच्छू पानी के नाम से भी जानते हैं। वाटर पॉइंट है तो डेफिनेटली गर्मियों में मस्ती करने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। और यहाँ पर जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, केव्स, तो यानी कि यहाँ पर थोड़ा केव्स वाला आपको टेक्सचर मिलेगा ही मिलेगा। और एक चीज़ जो कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि यहाँ पर रेनी सीजन में बिल्कुल भी मत जाएं। यहाँ पर जाने के लिए बेस्ट टाइम होता है या तो समर वेकेशन और गर्मियों का कोई भी सीजन आपका। तो आइए देखते हैं रॉबर्ट्स केव के बारे में। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है ब्यूटीफुल लैंडस्केप के साथ। आप देख सकते हैं कितना नेचुरल ब्यूटी है, डक एंड फैमिली। और थोड़ा आगे बढ़ते ही आप राइट हैंड साइड में देखेंगे फूड स्टॉल्स हैं, यहाँ पर आप फूड एंजॉय कर सकते हैं। और थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चप्पल वाला बैठा हुआ है, जो कि आपको रेंट पे चप्पल अवेलेबल कराता है। पानी में उतरने के लिए वो थोड़ा कन्वीनियंट रहती है, बेस्ट रहेगा आप अपने ही स्लीपर्स या सैंडल पहनकर जाएं। लेफ्ट हैंड साइड पर लोग पानी में मस्ती कर रहे हैं, अब हम लोग भी पानी में उतर चुके हैं और आगे हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पानी थोड़ा थोड़ा और ऊंचा होता जा रहा है, लेकिन ये घुटनों से ऊपर की लेंथ तक नहीं जाएगा। और यहाँ पर अगर आप स्लीपर्स या फिर सैंडल पहनकर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। हम लोग भी धीरे धीरे केव्स की तरफ बढ़ते हुए, और सामने ही ये केव्स दिखाई दे रही हैं। अब हम अंदर एंटर कर चुके हैं केव्स के, और आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पर काई भी जमी हुई है और कहीं से पानी भी रिस रहा है दीवारों से। और यहाँ पर हम लोग आए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं डेफिनेटली, और जैसे हम आए हैं वैसे ही यहाँ पर कुछ और मैरिड कपल्स भी आए हैं, कुछ लव बर्ड्स भी आए हैं और कुछ न्यूली मैरिड कपल्स भी आए हैं इन्जॉय करने के लिए। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं रास्ता सकरा हो रखा है, और पानी का जैसे कि मुझे बाहर से देखने से लग रहा था कि ये नी लेंथ तक पहुंच जाएगा, परंतु ये उतना ऊंचा नहीं पहुंचा है, ये नीचे ही है आपके एंकल तक। और यहाँ पर सारे में स्टोन बिछा हुआ है, कुछ देर आप उस पर नंगे पैर चलने का मज़ा भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो स्लीपर पहनकर या सैंडल पहनकर भी चल सकते हैं। और डेफिनेटली वाटर बॉडी है तो इसमें छोटे मोटे कुछ वाटर एनिमल्स भी हो सकते हैं, तो बी केयरफुल, उन्हें हार्म नहीं पहुंचना चाहिए और उनसे संभल कर चलें। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं आगे रास्ता सकरा होता जा रहा है, और अब हम पहुंचने वाले हैं मेन पॉइंट की तरफ। वहां पर जाते ही आप देखेंगे एक बड़ा सा ओपन एरिया, जो कि हम पहुँच चुके हैं। भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, मेरे ठीक सामने इस समय वहाँ पर एक पतला सा रास्ता दिख रहा है जहाँ से आप बस मेन एंट्री पर पहुँचने ही वाले हैं, परंतु आप देख सकते हैं भीड़ इतनी है, एक बार में या तो एक बंदा जा सकता है या तो आ सकता है। आप ऊपर से भी यहाँ पर चढ़कर जा सकते हैं, साइड में से रास्ता दिया हुआ है, परंतु आगे भीड़ को देखते हुए हम लोगों ने वापस जाने का फैसला लिया है। और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं हर कोई अंदर जाना चाहता है, ये देखिए कुछ लोग बाहर भी आ रहे हैं, कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, तो इसलिए हम लोग वापस चलते हैं। और डेफिनेटली बाहर आउटर पॉइंट पे जहाँ पर पानी का स्पॉट बना है वहाँ पर हम एंजॉय करेंगे। ये फाइनल पॉइंट ही है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी है अंदर जाने के लिए भी और ऊपर जाने के लिए भी। इस भीड़ को देखते हुए डेफिनेटली हम लोगों का विचार सही है, इसीलिए हम लोग वापस जाने की ही सोच रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊपर चढ़ने के लिए भी लोगों की कतार लगी हुई है। स्टार्टिंग वाटर पॉइंट पर मस्ती करते हुए मज़े करते हुए आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।